स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायरमेंट। इंग्लैंड के धाकड़ तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने किया संन्यास का ऐलान। 602 विकेट लेने के बाद अब आखिरी बार करेंगे गेंदबाजी। इंग्लैंड के लिए 17 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर डाला है। ब्रॉड अब एस ए सीरीज 2023 के 5वें टेस्ट मैच की दूसरी पारी में आखिरी बार इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। 37 साल के ब्रॉड ने इंग्लैंड के लिए साल 2007 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जिसके बाद से लगातार खेलते हुए अब तक उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को पूर्ण विराम दे दिया है। नॉटिंघमशायर से आने वाले ब्रॉड ने जेम्स एंडरसन के साथ जोड़ी बनाकर टेस्ट क्रिकेट में कई सालों तक राज किया। ब्रॉड ने दुनिया की हर एक पिच पर विकेट चटकाए। यही कारण है कि इंग्लैंड के लिए 600 या उससे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले वह दूसरे गेंदबाज है। इतना ही नहीं, एस ए सीरीज के इतिहास में 150 या उससे अधिक विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज भी ब्रॉड ही है। ब्रॉड ने साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर 15 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे, जो कि उनकी टेस्ट क्रिकेट करियर का सबसे बेस्ट स्पेल था। उन्हें इस स्पेल के लिए हमेशा इंग्लिश क्रिकेट याद रखा जाएगा। ब्रॉड ने अपने करियर के दौरान 4 बार एस ए सीरीज को अपने नाम किया, जबकि इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे। युवराज ने ही ब्रॉड को 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। ब्रॉड के करियर की बात करें तो 167 टेस्ट मैचों में अभी तक वह 602 विकेट ले चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 121 वनडे मैचों में उनके नाम 178 विकेट है। वही 56 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 65 विकेट शामिल है। ब्रॉड का नाम सबसे पहले तब चर्चा में आया जब साल 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत के युवराज सिंह ने उनकी 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया। हालांकि करियर की शुरुआत में 6 छक्के खाने के बाद ब्रॉड ने हार नहीं मानी और इंग्लैंड के लिए एक दिग्गज तेज गेंदबाज के रूप में शुमार होकर निकले और उन्हें अंत तक शुमार होकर ही संन्यास का ऐलान किया। जीत से विदाई लेना चाहेंगे ब्रॉड। ब्रॉड अब तक इंग्लैंड के लिए एस ए सीरीज के 5वें टेस्ट मैच में दूसरी पारी में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहली पारी में ब्रॉड ने 2 विकेट हासिल किए थे, जिनके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में तीसरे दिन की समाप्ति तक 9 विकेट के नुकसान पर 389 रन बनाए हैं और 377 रनों की बढ़त हासिल है। ब्रॉड अब दूसरी पारी में कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाकर अपनी विदाई लेना चाहेंगे।